रामगढ़ उपचुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने तैयारियां कर ली है। रामगढ़ में 27 फरवरी को 405 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जाएगी। उपचुनाव की तैयारियां पूरी, 27 फरवरी को होगा मतदान। स्क्रूटनी के बाद 18 उम्मीदवार मैदान में। रामगढ़ के 405 पोलिंग स्टेशन पर होंगे चुनाव। जरूरत और मांग के आधार पर सुरक्षा बल मुहैया। 385,000 मतदाता करेंगे मतदान। रामगढ़ उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखंड ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। 233 लोकेशन पर 405 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की जरूरत और मांग के हिसाब से सुरक्षा बल भी मुहैया करा दिया गया है। उनका संबंधित कितना फोर्स डिमांड किया गया था, पैरामिलिट्री फोर्स, वो सब कुछ पहुंच गया उनको। वो अपने प्रीपोल एक्टिविटीज क्या है वो सभी एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व है। टोटल 405 बूथ है, 233 लोकेशन है। ये सभी जगह पर हम लोग उम्मीद करते हैं पीसफुली इलेक्शन होगा, ताकि कितना संख्या में फोर्स चाहिए वो अवेलेबल हो। उसी का चुनाव करने के लिए कितना व्यवस्था करना वो भी अपने रास्ता पर, इसलिए पोल में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। रामगढ़ उपचुनाव की स्क्रूटनी के बाद 18 उम्मीदवार रह गए हैं। रामगढ़ में ताजा मतदाता सर्वेक्षण के बाद 335,734 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 18 से 19 वर्ष के वर्ग के 6,724 मतदाता हैं। चुनाव प्रचार भी धुआंधार तरीके से जारी है, तो पुलिस और मजिस्ट्रेट भी चुनाव आचार संहिता के तहत छापेमारी में लगी है। पूरा जिला का सील किया हुआ है, मतलब इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में कमीशन का डायरेक्शन के अनुसार। उसमें हम लोगों का वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों को गाड़ी का चेक वगैरह करता है। उसमें कुछ कैश भी चीज हुई थी, लिक्विड भी चीज हुई थी, उसका संबंध में कमीशन का डायरेक्शन क्या है उसी के अनुसार वो जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है। रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होना। रामगढ़ उपचुनाव में अब तक सबसे अधिक 71.17% मतदान 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, 2014 में 70.80% और 2009 में मात्र 67.63% मतदान का रिकॉर्ड रहा है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यह रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। वैसे उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगा दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।